क्यों पीने पिलाने की बात करते हो? अच्छा। कभी हम भी पिया करते थे। आप भी पीते थे? हाँ जी। देखिए क्यों पीने पिलाने की बात करते हो, कभी हम भी पिया करते हैं। अच्छा। और सुनो, जितना तुम रोज पीते हो ना, उतना हम मैखाने में छोड़ दिया करते थे। देखिए जानते हैं, इसीलिए हम लड़की पर भरोसा नहीं करते। आप इतना सुंदर है, हम नहीं जानते थे कि यो पीती है। आप क्या सब पीते हैं? महुआ पीते हैं, सब कुछ पीते हैं। देखिए इसीलिए हम भरोसा नहीं करते हैं लड़की पर। जो क्या करती थी मना हमको दारू पीने से, ध्यान दीजिए, जो क्या करती थी मना हमको दारू पीने से, उन्हीं के जेब से पौवा निकला। बताइए कैसे हम भरोसा करें महिला सब, इतनी सुंदर लगती दारू पीती है। भैया भाभी को दोनों को शादी की ढेर सारी सालगिरह की शुभकामनाएं। एक्चुअली हमको आना इसलिए नेसेसरी था कि हम शादी का भोज खाए नहीं थे, हम बाकी रह गए थे, इसलिए तो हम छोड़ नहीं सकते थे, तो लेट से हम पहुंचे गए भोज खाने के लिए। पढ़ते सिनुर भग बेटी जब ससुरारी, अब बेटी हो गेले पराई गे हे गे। फिर ये गाती है कि रोबो दुआरी भैया जूनियर खेसारी, रोबो दुआरी भैया जूनियर खेसारी, दादी के रही तो दुलारी गे हे गे, दादी के रही तो दुलारी गे। नमस्कार, मेरा नाम मंदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार .com। इस वक्त आए हुए हैं खास बातचीत दो शख्स से करने। आज एक, सबसे पहले तो बता दूं कि आज सौम्या जी का पहली शादी की सालगिरह है और उनके शादी में पहुंचे हैं, उनके शादी के सालगिरह में पहुंचे हैं गौरव लाल यादव उर्फ जूनियर खेसारी। जूनियर खेसारी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, जूनियर खेसारी के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। और आज हम दोनों से बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत, इनके साथ जो है जिस तरह से इनका स्टेज पे प्रोग्राम होता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं जूनियर खेसारी जी से। स्वागत है सर आपका। जमाने में मोहब्बत इश्क को नायाब कहते हैं, हम कुछ भी करने से पहले आदाब कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप और जितने भी मुझे मधेपुरा संचार के माध्यम से देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। लव यू सभी को, जितने मुझे प्यार करने वाले हैं और भाई के चैनल को प्यार करने वाले हैं, तो लव यू सभी को दिल से धन्यवाद। और आपका खास करके धन्यवाद कि आज आप भी एनिवर्सरी में आए, और साथ ही साथ मैं इन दोनों जोड़ी को जिनके बदौलत कि मैं आज आया हूँ, सौम्या जी और बहुत ही बड़ी अच्छी गायिका, प्यारी गायिका है, और साथ में बड़े भैया भैया भाभी को दोनों को शादी की ढेर सारी सालगिरह की शुभकामनाएं। तो इनके लिए कहना चाहेंगे हम कि छोटे हैं तने हमारी भौजी है, इसके लिए दो शब्द तो बनता है कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको और खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला भगवान हजार खुशियां दे आपको, हजार खुशियां दे आपको, आपको शादी सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए आगे बातचीत करते हैं। जिस तरह से आप आज शादी में पहुंचे, शादी की सालगिरह में पहुंचे, जी जी, शादी बार बार इसलिए लफ्ज में आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ दूसरा पहला है, पहला शादी की सालगिरह है और इनको शादी के रूप में नहीं, एक्चुअली हमको आना इसलिए नेसेसरी था कि हम शादी का भोज खाए नहीं थे, हम बाकी रह गए थे, इसलिए तो हम छोड़ नहीं सकते थे, तो लेट से हम पहुंचे गए भोज खाने के लिए। एक बात बताइए, जिस तरह से आप दोनों का परफॉर्मेंस स्टेज पर होता है, जी जी जी, और अभी इनकी शादी को एक साल हो चुकी है जी, तो क्या इनने बीच में, एक साल के बीच में कितने डिफरेंस में नजर आएंगे? कोई डिफरेंस नहीं, मुझे लगता है कि स्टेज के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं, जो होनी चाहिए, एक कलाकार को कभी डिफरेंस होता ही नहीं, एक कलाकार जो होता है वो हमेशा कलाकार होता है। एक होता है ना कि अगर शादी के बाद कहीं कुछ कोई फैमिली से प्रेशर की नहीं, जी जी नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं उनसे भी बात किया था, उनके फैमिली वाले और उनके जो हस्बैंड है बड़े भैया बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एक कलाकारी को समझते हैं। तो कलाकार शादी हो या चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के दिलों पर राज करना होता है। तो ये सबसे पहले तो हम सौम्या जी से भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपकी शादी की पहली सालगिरह है और धूमधाम से आपने मनाया है, लेकिन जूनियर खेसारी जी नहीं पहुंचे थे, आज पहुंचे आपके साथ, और मजाकिया अंदाज जो इनका खेसारी जी का, गजब गजब बहन का मजाकिया। पता है मैं इनके लिए, इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि देखिए ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि मैं नहीं आ सकता। पता है मैंने इन्हें क्या बोला? बस नहीं आने का बहाना ढूंढते हैं क्या? मैंने बस इतना ही कहा। पता है इन्होंने इतने कष्ट उठा के हमारे पास आया, हमारे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, हमारे एनिवर्सरी में पहुंचे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि इन्होंने पहुंचा, और मैं, आपको पता है मैं इनके वजह से ही रुकी हुई थी, हमारे केक कटिंग में भी बहुत सारे लेट हुआ है,
बट मैं इनके लिए रुकी हुई थी क्योंकि ये चल दिए थे वहाँ से। तो मैं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और हाँ इन्हें बचपना तो कूट कूट के भरा हुआ है। इनका बचपना जो है वही तो पब्लिक का प्यार है, जिस तरह से देखा जाता है यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं उनका ये मजाकिया अंदाज। हाँ ये मजाकिया अंदाज ना पब्लिक को, पब्लिक के दिल को छू जाती है। Actually, जिनको ये मजाकिया अंदाज अकेला नहीं होता, जब हम दोनों एक साथ होते हैं ना तो पब्लिक के दिलों में हम दोनों मिलकर राज करते हैं। तो कुछ हम दोनों जब एक साथ शो किए था मार्केट में कुछ अलग किए और लोगों को अच्छा लगा और काफी पसंद किए, जितना भी सारा वीडियो आ रहा हमारा सभी मिलियन क्रॉस कर रहा था, ये सभी का धन्यवाद है। ये बहुत बड़ी बात है कि मिलियन क्रॉस सारे वीडियो हम दोनों के कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक का, पब्लिक हम लोगों को लाइक करती है, हम दोनों की जोड़ी को लाइक करती है, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो यार बहुत दिन बाद हम लोग मिले तो कुछ नया लेकर आए। करते वही है जैसा प्रोग्राम होता होता वही है, लेकिन उसमें एक हो जाता है ना यार वो नया है, वो नया है, जूनियर के साथ कुछ आया है, जूनियर के साथ कुछ आया है, सोमिया के साथ कुछ जूनियर का आया है, तो ये भी बहुत मजा आता है। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने कई सारे स्टेज शो किए हैं, कई सारे सॉन्ग गाए हैं, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि स्टेज शो में सबसे ज़्यादा व्यूज किसके साथ आया है, सबसे ज़्यादा लोग दर्शक किसके साथ आपको देखना पसंद करते हैं? देखिए वो पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप जैसा परफॉर्म करोगे ना और जैसी आपकी जोड़ी जमेगी ना तो पब्लिक उनको लाइक करने लगती है, पब्लिक को भी दिखता है। बात रही आपने पूछा कि किन के ज़्यादा व्यूज़ मिला है, व्यूज़ में ज़्यादा बोलूँ तो मैंने चार साल से शैला जी के साथ काम किया है, तो व्यूज़ तो उनके ही हैं, मतलब लगभग 2 करोड़ एक वीडियो गया हमारा, लगभग 2 करोड़ पार किया है। और इनके बाद आश्चर्य की बात, मैंने 4 साल से काम किया फिर इतना व्यूज गया है, और मैं इनके साथ कितने महीने से काम कर रही हूँ, मात्र वही समथिंग हमको 4-5 महीने लग रहा है। और पहला ही गाना दिसंबर से, पहला हम लोग कार्यक्रम 7 दिसंबर से मैं कर रही हूँ, 7 या 6 दिसंबर से कर रही हूँ, और पहला ही वीडियो हमारा इतना फाड़ू गया है मैं बता नहीं सकती, लगभग वो 3 मिलियन क्रॉस किया है, something 5 मिलियन व्यू है, something 5 मिलियन क्रॉस, और वो जिस भी चैनल पे चला है वो 4 मिलियन प्लस ही है। एक वीडियो है ऐसा, मतलब एक वीडियो हर चैनल पे चला, हर चैनल पर मिलियन क्रॉस है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार है। इतने कम समय जोड़ी जम गई। जी जी बिल्कुल, ये आशीर्वाद है, और जितने भी मधेपुरा संचार के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हम दोनों की जोड़ी को स्टेज पे और एक प्यार गुलार दीजिए कि हम दोनों मिलकर कुछ नया नया करते रहे आप सबों के लिए, क्योंकि एक कलाकार जो होता है ना वो हमेशा अपने ऑडियंस के लिए, अपने जो देवता श्रोता होते हैं, पब्लिक होते हैं, उनके लिए सोचते हैं, हम लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं। आपने पब्लिक की बात जब कर ही दी है तो मैं एक बार आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आपका अंदाज होता है स्टेज पर, माहौल तो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं उनको समझ कर आप एक बार वही अंदाज में आप दर्शक को दिखाएं। नहीं कोई मतलब उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो है गाकर दिखाइए उन लोगों को सुनाइए, ताकि जो आपको जो लोग पसंद करते हैं, डुएट बहुत पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। और अभी मैं दूसरे का कवर सॉन्ग भी सुनील छल्ला बिहारी का गाता हूँ, और साथ ही साथ हम लोगों का अभी एक शादी विदाई गीत आ रहा है। जी बिल्कुल, उसको हम लोग गा देते हैं। हाँ, बहुत ही जबरदस्त शादी विदाई गीत कंपोज हुआ है और बहुत जल्द मिलेगा जूनियर खेसारी एंटरटेनमेंट के माध्यम से, लेकिन मजाकिया अंदाज वही रहना चाहिए जो आपका रहता है। ये विदाई गीत है, उसके बाद मजाकिया अंदाज में भी मैं चलूंगा, ये हमारा शादी विदाई गीत है। तो सोमिया जी स्टार्टिंग किया, मैं लास्ट में गया, तो 2 लाइन आप गुनगुनाएं, फिर मैं 2 लाइन में गा दूंगा, परते सिंदूर भागे बेटी क्या बात है। चलिए हम लोग का गाना है, विदाई गीत है, तो मैं शुरू करती हूँ। जरूर। पड़ते सिनुर भागे बेटी जेब ससुरारी, पड़ते सिनुर भागे बेटी जेब ससुरारी, अब बेटी हो गेले पराई गे हे गे, अंगना के रही हमरो मैं नाची रैया, अंगना के रही हमरो मैं नाची रैया, केना करियो बेटी तोर विदाई गे हे गे, केना करियो बेटी तोर विदाई गे। काफी अच्छा सॉन्ग है, और हमारे ब्रेबिया हमारा डुएट आ रहा है ये गाना, तो अब रिलीज भी होने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस गाने को बहुत से, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ एक शेयर जरूर करें। बाद में पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये सॉन्ग रिलीज होगा किस चैनल पर रिलीज होगा, ये हमारे पहले तो जूनियर खेसारी एंटरटेनमेंट में, बाकी कम से कम 10-15 चैनल से वो आएगा। मेरा सोच तो कि मैं वेब को दूं, मैंने सुनाया हुआ हूं और वो लोग से फिर से दोबारा बात नहीं हुआ, तो उन्होंने बोले कि डायरेक्ट मैं वीडियो लूंगा,
एक मैं जिस तरह से आपके सौम्या जी ने भी सॉन्ग गाया उनका एक आपका जो सुर है वो थोड़ा गा दीजिए इसी में जो हमरा कि छुटल नहीं हर भागे बेटी बाबूजी के घर भागे बेटी छुटल नहीं हर भागे बेटी बाबूजी के घर भागे बेटी माई के छुटल आचारवा फिर ये गाती है कि रोबो दुआरी भैया जूनियर खेसारी रोबो दुआरी भैया जूनियर खेसारी दादी के रही तो दुलारी गे गे दादी के रही तो दुलारी गे। तो एक्चुअली हम दोनों का सोच और हमारा सोच ऐसा रहा था कि मैं बर्गल चीज नहीं गाऊं पब्लिक में, जैसा कि आज के स्टार लोग कलाकार लोग, स्टार तो मैं मानता ही नहीं हूँ, गलत गाने वाले को मैं स्टार कभी वैल्यू दिया ही नहीं हूँ, तो जो एक्चुअल के कलाकार होते हैं हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें सुने पारंपरिक गीतों जो कि अच्छे अच्छे घरों में बजे, हर शादी में बजे। तो मैं चाहता हूँ कि सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने सारे ऑडियंस हैं देख रहे हैं आप लोग हमेशा अच्छी चीज़ों को सुनिए जैसा कि हम लोग गाए हैं जी। जिस तरह से आपका ये सॉन्ग आ रहा है कहीं ना कहीं एक विदाई जब होता है, बिल्कुल अभी मैंने बातचीत ही किया था इस सिलसिले में कि सौम्या जी का जो शादी हुई आंख भराई थी, पिताजी जब विदाई करते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द बहुत होता है कलेजे का टुकड़ा को, वो जो है ये जब मंच पे हम लोग गाते हैं ना विदाई गीत मतलब इस टाइप का सॉन्ग, तो ये रोने लगते हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं कहीं ना कहीं, जब ये रोती तो मुझे एक अजीब सा वो मतलब रोने का आने लगता है, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, इसको देखता ही नहीं कि मुझे रोना आएगा। हाँ मैं कंट्रोल करता हूँ, इनको देखता नहीं, मैं आंख बंद करके गाता हूँ। एक आपने तो इमोशनल कर दिया सबको, लेकिन एक मजाकिया अंदाज वही जो आपको पसंद करते हैं लोग, जिसने आपको देखना पसंद करते हैं वो एक बार हो जाए। क्या बात है। तो सौम्या जी आप कुछ भी जो शेरी आपको याद है एक बार बोला जाए, आप शुरू किया जाए, जो भी याद है कोई बोलिए। हमारा एक शायरी है, बहुत ज्यादा, बहुत एक नहीं आपका बहुत शायरी है, कोई एक बहुत ज्यादा शायरी है। तो एक अभी जो कभी कभी शराब पीते हैं ना लोग, तो ये मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई पी के आ जाते हैं तो कभी कभी वो बोलने लगते हैं ज्यादा, तो उनको उनके लिए एक शायरी था जो क्यों पीने पिलाने की बात करते हो। अच्छा। कभी हम भी पिया करते थे। आप भी पीते थे? हाँ जी। देखिए क्यों पीने पिलाने की बात करते हो, कभी हम भी पिया करते हैं। अच्छा। और सुनो जितना तुम रोज पीते हो ना उतना हम मैखाने में छोड़ दिया करते थे। देखिए जानता है इसीलिए हम लड़की पर भरोसा नहीं करते, आप इतना सुंदर है हम नहीं जानते थे कि यो पीती है। आप क्या सब पीते हैं? महुआ पीते हैं, सब कुछ पीते हैं। देखिए इसीलिए हम भरोसा नहीं करते लड़की की। देखिए अभी पीने पिलाने की बात करते हैं, हम भरोसा नहीं करते क्योंकि कि जिसको कोयल समझा वो कौवा निकला, जरा गौर फरमाइएगा कि जिसको कोयल समझा वो कौवा निकला, प्यार के नाम पे हवा निकला, जो क्या करती थी मना हमको दारू पीने से, ध्यान दीजिए जो क्या करती थी मना हमको दारू पीने से, उन्हीं के जेब से कौवा निकला। बताइए कैसे हम भरोसा करें महिला सब, इतनी सुंदर लगती दारू पीती है। आपका जो ये अंदाज है मुझे भी हंसी आ गई इस अंदाज से, ये तो प्यार है सभी का। आपका ये जो जोड़ी है हमेशा चाहूंगा, और हमारे दर्शक जो देखते हैं हमेशा चाहते हैं कि ये हमेशा साथ आए और लोगों का मनोरंजन करें, ये तो सभी का प्यार आशीर्वाद। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बना के रखिए, कहीं ना कहीं हमारा कैसेट वगैरह नहीं चलता ज्यादा और स्टेज चलता है तो दिल खुश होता है, डायरेक्ट मैं ऑडियंस से मिलता हूँ और इतने सारे हम लोगों के स्टेज को प्रोग्राम को जहाँ से भी हमारा कोई भी अगर कोई दूसरा कोई भी चढ़ाता है तो वो स्टेज स्टार हम लोगों को लिख के चढ़ाते हैं, तो खुशी मिलती है कि हम लोग डायरेक्ट ऑडियंस से मिलते हैं और ये नाम मिलता है तो काफी अच्छा लगता है जी। हाँ सभी को इस चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं मधेपुरा संचार के माध्यम से जो जितने भी दर्शक हम लोगों को देखते हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और इनके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फायदा मिल सके। अरे सुनिया नहीं हम लोगों का भी चैनल है एगो जूनियर खेसारी एंटरटेनमेंट, एगो सौम्या रॉयल एंटरटेनमेंट। हाँ जी। और हाँ इनके साथ साथ हम दोनों का भी चैनल देखा कीजिए थोड़ा सा, जूनियर खेसारी एंटरटेनमेंट एगो है, सौम्या रॉयल एंटरटेनमेंट, सौम्या रॉयल एंटरटेनमेंट। थोड़ा सा आप लोग जैसे सबको प्यार दुलार देते हैं हम सबको भी प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद और कभी हम लोगों को मौका मिला तो फिर से मुखातिर होंगे, मिलेंगे और स्पेशली थैंक्स मैं सौम्या जी को कि इनके बदौलत आज आए और आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद जितने भी मधेपुरा संचार के ऑडियंस हैं हमारे देवता हैं, धन्यवाद ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, लव यू। बातचीत कर रहे थे जूनियर खेसारी गौरव लाल यादव के नाम से मशहूर सौम्या जी, सौम्या सिंह के नाम से मशहूर, और जूनियर खेसारी और सौम्या जी का जो जोड़ी है स्टेज स्टार के नाम से